अपनी टीटी गिरीश भैया को सेल कर दिया, तो कैसे हो गिरीश भैया? तो गिरीश भैया इसके नए ओनर बन चुके हैं और भाई लास्ट टाइम अपनी बीस्ट को देख लो, ये जा रही है। ओ भाई देख सकते हो 1,99,900। तो भाई हमने 2,00,000 रुपए जो गाड़ी की बुकिंग अमाउंट थी वो कर दी है। चेक करो रात के बज रहे हैं 12:30 और भाई यहाँ पे टीटी का व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत दुख वाला व्लॉग होने वाला है। हमने अपनी टीटी गिरीश भैया को सेल कर दिया, तो कैसे हो गिरीश भैया? तो गिरीश भैया इसके नए ओनर बन चुके हैं और भाई लास्ट टाइम अपनी बीस्ट को देख लो, ये जा रही है। हमने इसको सेल आउट कर दिया गिरीश भैया को, और गिरीश भैया अब इसके नए ओनर बन चुके हैं, तो इसका रैप वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगा है ना। अब ये नई लुक में इसको तैयार करेंगे, तो इसको लास्ट बार इस लुक में देख लो, अभी तक मैंने अपने चैनल पर दिखाई नहीं थी इस लुक के अंदर। तो भाई अब ये गाड़ी की लुक इस टाइप की, अभी सवार सब कुछ उतार देंगे, अंशु बत्रा वगैरह, और गाड़ी के अंदर कार्बन फाइबर स्टेयरिंग वगैरह सब तुम्हें दिखाई रखा था। अब गिरीश भैया के पास दिखेगी तुम्हें कृष्णा कार्स पे गाड़ी, तो किसी सब्सक्राइबर को लेनी होगी मिल जाएगी गाड़ी बाद में। तो भाई प्राइसिंग वगैरह मैं इसमें बताऊंगा नहीं ब्लॉग के अंदर कि मैंने कितने की सेल आउट करी है। और ये गाड़ी अगर तुम्हें परचेज करनी हो तो कृष्णा कार पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स क्या है? तो जनकपुरी पे इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गाड़ी की लास्ट टाइम लुक चेक कर लो। और साथ में इनके साथ ये बड़े फाइनेंशियल साहब आए हैं, इन्होंने हमारे को बहुत तगड़ी चपट मार दी है, तो कैसा लग रहा है आपको? कार दिया हमें। तो भाई अब ये जा रही है, इसके बाद हम कोई नया प्रोजेक्ट कार लेके आएंगे। तो कौन सी दे रहे हो गिरीश भैया हमें? कौन सी? चलो भाई फाइनली इसको गुड बाय करते हैं। अब इसको भी कल किट वगैरह लगा के इसको रेडी करेंगे, तब तक अब ये जाएगी तो इसको चलाएंगे। बाकी इसको भाई यही है अपनी धनुरानी, जब अवंती का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद यही गाड़ी थी जिससे हमने अपना नाम वाम बनाया था, और ये फाइनली जा रही है। तो बहुत दुख हो रहा है इस गाड़ी को बेचते हुए, बाकी कोई नहीं इससे बढ़िया गाड़ी लाएंगे। लास्ट टाइम इसको देख लो, गुड बाय कर दो। जो भाई लगभग एक हफ्ता खा गई इसके अंदर बॉडी किट इंस्टॉल करने के लिए। और भाई तुमने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों में अगर बॉडी किट इंस्टॉल करते हैं तो गैपिंग वगैरह आती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर गैप वगैरह कहीं आया, चेक कर सकते हो, बहुत अल्टीमेट गई है। साथ में भाई इसके अंदर वायरिंग का काम हुआ है, जो धर्म भैया ने करा, इलेक्ट्रीशियन की भी बहुत जरूरत होती है गाड़ी के अंदर, जिन्होंने हेडलैम्प और ये पुलिस लाइट, अंदर का इंटीरियर स्टेयरिंग जो सब करा वो धर्म भैया ने करा। और साथ में जो भाई मेन जो इसकी चीज़ को इस गाड़ी को अट्रैक्टिव बना, टीपू भैया ने इसके ऊपर रैप किया है। तो भाई रैप देख सकते हो बिल्कुल अल्टीमेट, 0-0 की बिल्कुल फिनिशिंग आई है। तो ऐसा काम कराने के लिए आपको बताइए कॉन्टैक्ट करना है बत्रा कस्टम पे, रोहिणी सेक्टर 70। और ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी मॉडिफाइड कराने के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें बत्रा कस्टम को। तो भाई अब डिटेल वीडियो में बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या इंस्टॉल हुआ है। तो भाई BMW M5 किट के अंदर आती है हमारी हेडलैम्प, बम्पर, फेंडर, टेललाइट्स, बोनेट, भाई A2Z एक्सटीरियर की सारी चीजें आती है। हेडलैम्प देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं M5 वाले, और साथ में भाई M5 की बैजिंग मिल जाती है ग्रीन पे, और पुलिस फ्लैश रेड ऑन किया हमने, और इसके अंदर पूरा येलो कलर का रैप किया। तो फ्रंट पे ओवरऑल गाड़ी यही है, और यही इसकी गाड़ी की लुक है। तो भाई साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमने इसके अंदर फेंडर भी चेंज करे, फेंडर के अंदर हमने M5 वाले फेंडर डाले हैं, साथ में इसके अंदर इसके जो लोगोज हैं और फेंडर के अपने स्नॉर्कर है वो भी M5 वाले डाले हैं। अभी हमने इसके अंदर जो एडवाइजर वो चेंज नहीं करे, हम इसके अंदर 20 इंच डालेंगे। अभी हमने स्टॉक एडवाइस रखे हुए क्योंकि हम इसको गिफ्ट कार बना रहे हैं, इसको गिफ्ट करने के लिए कंप्लीटेड एडवाइस बहुत बेस्ट होते हैं। साथ में हमने इसके जो मिरर है वो भी भाई हमने M5 वाले डाले हैं, जो कि इसकी लुक को बहुत इनहेंस करें। कार के जो सारे चारों शीशे हैं वो भी टिंट कर दिए, जो मैं रिकमेंड नहीं करता अपने किसी व्यूअर को कि आप गाड़ी के काले शीशे कराओ, ये हमने अपने पर्सनल टेस्ट के लिए करा रखे हैं, अगर आप कराना चाहो तो आप भी करा सकते हो, वैसे तो हमारी तरफ से रिकमेंड नहीं है। साथ में हमने इसके अंदर जो अपनी स्कर्टिंग है वो भी ब्लैक कर दी है, ताकि गाड़ी की लुक जो है वो बहुत अल्टीमेट दिखे। आप चलते हैं बैक प्रोफाइल,
तो गाइस बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल के अंदर हमने इसकी आफ्टर मार्केट बैकलाइट लगाई है जो किट के अंदर ही आती है, M5 वाली, साथ में 17 वाली नंबर प्लेट लगा दी है, पूरी गाड़ी को ग्लॉसी येलो रैप कर दिया है और साथ में जो इसका स्पॉइलर है वो भी BMW M5 वाला डाल दिया है। साथ में इसके नीचे जो आती है भाई डिफ्यूजर, अभी इसका जो एक एग्जॉस्ट है वो वर्किंग है, इधर वाला एग्जॉस्ट वर्किंग नहीं है, वो वाला भी अभी वर्किंग करा देंगे, तो मतलब दोनों तरफ एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो चारों टाइप वर्किंग हो जाएगी। साथ में पूरी ओवरऑल गाड़ी में बेसिक तो यही हो रखा है, अभी गाड़ी के अंदर बहुत सारे मोड्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर के अंदर हमने क्या किया है। सो गाइस यार चेक करो, गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, गाड़ी का पूरा इंटीरियर हमने चेंज कर दिया, पिछली अपने मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह पे देखा होगा और ब्लॉग में देखा होगा तो गाड़ी का इंटीरियर ऐसा नहीं था, हमने इसके अंदर डाला है इंपोर्टेड कार्बन फाइबर BMW का स्टेयरिंग M5 वाला और इसके पैडल शिफ्टर वगैरह सब कुछ वर्किंग है। साथ में ये देख सकते हो लाइट वगैरह सब कुछ वर्किंग है, मीटर देख सकते हो ये भी चेंज कर दिया है, तो मीटर के अंदर भी 5-6 मोड्स हैं जो इस गाड़ी के जो मीटर को डिस्प्ले है वो चेंज कर देता है। साथ में हमने इसके अंदर डाली है टच स्क्रीन यूनिट और साथ में AC पैनल की जो यूनिट है वो भी टच स्क्रीन आने वाली है, तो वो भी डिस्प्ले जो आएगी पूरी टच स्क्रीन होगी, यहाँ से हम इसको AC को टच से अपना मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल अभी हमने गाड़ी के अंदर यही मोड्स करे हैं, अब चलते हैं हायाबुसा की तरफ और हायाबुसा के मोड्स दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ चेक करो, यहाँ खड़ी हमारी हायाबुसा और भाई इस बाइक के बारे में बताने की तो जरूरत ही नहीं है, मशीन जानी क्यों जाती है, इसका नाम ही काफी है हायाबुसा और भाई ये है हमारी न्यू बाइक और इसके अंदर लगा हुआ है पूरा AC प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, इधर भी AC है, इधर भी AC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है और ये बाइक इतनी लाउड है ना भाई, इस बाइक के बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी चलेंगे इस पर, छोटी सी मोटो ब्लॉग भी बनाएंगे और बढ़िया से रिएक्शंस नोट करेंगे। अभी फिलहाल तो हमें जाना है महिंद्रा में, हमने एक नई गाड़ी बुक कराई है तो ऋषा भाई मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके हमें पेमेंट वगैरह करवानी है और नई गाड़ी बुकिंग करानी है, तो फटाफट से चलते हैं महिंद्रा। सो फाइनली गाइस चेक करो, 15 कस्टम से हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं महिंद्रा में, ऋषा भाई मेरा वहाँ पे वेट कर रहे हैं और भाई हम महिंद्रा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाई ने एक गाड़ी बुक कराई थी, उसकी पेमेंट मेरे को वहाँ पे अपना देनी है, तो पेमेंट जैसी मैं दे दूंगा मेरे को 2-4 दिन में गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी, तो वही फटाफट से महिंद्रा जा रहे हैं। और बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ, भगवान क्या चाहता है, इतने दिनों बाद हमने मोटो ब्लॉग बनाया और उसमें भी बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है। और भाई मुझे पता है आप सारे ना बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हो कि मैं ब्लॉग नहीं लाता, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते के अंदर ना 4 ब्लॉग्स हो आपके लिए लाऊं भाई, क्योंकि ना तुम्हारा भाई बिजी हो जाता है यार बत्रा कस्टम पे, बत्रा मोटर्स पे। और मैं बता देता हूँ भाई, इतने दिन से ना ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि 600K पे ना तुम्हारे लिए भाई बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ आ रहा है, एक गाने का शूट चल रहा था हमारा, तो 600K पे हमारे चैनल पे वो गाना आउट हो जाएगा, तो उसका टीज़र वगैरह जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा, अभी 2-4 दिन में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, और क्या नाम है जो टीज़र है वो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो ऐसे सारे भाई प्यार दिखाओ और 1 मिलियन के लिए तो भाई जो बॉम्ब आ रहा है ना उसके लिए तो भाई सारे भाई तैयार रहो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं आ रही भाई, बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, तो मैं बता दूंगा क्या आने वाला है। तुम्हें पता चली गया होगा कि भाई ऑडी GT सेल करी है ना, तो छोटी मोटी गाड़ी नहीं आने वाली, बहुत बड़ी गाड़ी आने वाली है, क्योंकि तुम्हें पता है अवंती बेच के हमने ऑडी GT ली थी, अब ऑडी GT गई है तो उससे बड़ी कुछ आएगा। ओ भाई इस बाइक का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है भाई, कोई तोड़ नहीं है इस बाइक का भाई, ये पागल है पागल, ये देख रहे हो, ये चेक करो, ओ भाई ये बाइक भाई पागल है पागल, जिसे कहते हैं ना पागल सांड है ये भाई, ऐसे जाती है बाइक, इतनी ज़्यादा लाउड है, जहाँ से निकलती है ना लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि गया क्या है भाई, और सबको पता ही हायाबुसा तो भाई बाइक ही मशहूर है, कि अगर जैसे निंजा विंजा होना तो लोगों को थोड़ा धोखा हो जाता है कि कौन सी बाइक है, लेकिन हायाबुसा का तो भाई नाम ही काफ़ी है, सबको पता ही हायाबुसा है। और भाई ये देखो यार निकलते ही ट्रैफिक मिल गया यार, ऋषभ भाई ना मेरे पे बहुत गुस्सा करने वाले हैं क्योंकि उनकी पेमेंट वहाँ पे हो चुकी है, मेरी होनी है तो मैंने अभी देनी है और मैं गाड़ी की डिलीवरी लूँगा 3-4 दिन में, नहीं मिली तो नवरात्रों में ले लेंगे, ठीक है। तो भाई तुम्हें पता ही है गाड़ी अब कौन सी आने वाली है, तो आधे बंदों को पता चल ही गया होगा कौन सी गाड़ी आनी है, तो भाई तब तक कमेंट बॉक्स में गेस कर लो, और BMW कैसी लगी और ये मशीन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। तो दिल्ली में ट्रैफिक इतना होता है ना भाई, कहीं बाइक भगा नहीं सकते, गाड़ी नहीं भगा सकते, भाई 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 आप जाके खाली रोड मिली और मैंने थोड़ी भगाई है, देखो ओ भाई पागल सांड है भाई ये पागल सांड। राइट लेंगे और महिंद्रा आ जाएगा, तो फटाफट से चलते हैं, ऋषभ भाई वेट कर रहे हैं, मुझे पता है आज मेरे को ना बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलेगी कि भाई तू कहाँ था क्या कर रहा था, तो यहाँ से फटाफट महिंद्रा आने वाला है, वैसे तो पता चल ही गया होगा आवाज़ इतनी तेज़ है इसकी, समझ गए होंगे कि मैं आ गया हूँ, ये देखो। सो फाइनली गाइस महिंद्रा पहुंच चुके हैं और भाई ये खड़ी ऋषभ भाई की किया, अभी चलते हैं अंदर फटाफट से पेमेंट कराते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, फटाफट से बाइक खड़ी करते हैं और अंदर चलते हैं, अभी ऋषभ भाई से मेरे को बहुत सारी बातें सुनने को मिलने वाली है, तो फटाफट से पेमेंट वगैरह कराते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सो फाइनली गाइस यहां चेक करो, महिंद्रा में आ चुके और यहां पे देख लो हमारे पास बुकिंग अमाउंट है, अभी हम गाड़ी बुक कराने आए हैं, तो भाई कौन सी गाड़ी बुक कराने हैं, तो यहां पे आज हमारे साथ गौरव भैया मान है, कौन सी गाड़ी भाई,
यहाँ पे समीर थोड़ा शर्मा रहा है, अभी देखते हैं कौन सी गाड़ी फाइनल करते हैं और कल या परसों डिलीवरी हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, तो अभी दिखाएंगे क्या सीन रहते हैं, ऊपर शोरूम में चल के भी दिखाएंगे अभी कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है, कौन सी बुक करा रहे हैं और यहाँ पे अभी पेमेंट जमा करा रहे हैं। मोटा खर्चा हो रहा है कंपनी का, मोटा खर्चा हो रहा है। सो फाइनली गाइस यहाँ चेक करो, पेमेंट वगैरह सब कुछ डन हो चुका है। मतलब भैया गाड़ी कब दे रहे हो भी बताओ, कब आएगी गाड़ी? गाड़ी कब आएगी? दे दोगे 5 दिन बाद? तो भाई 5-6 दिन बाद गाड़ी मिलेगी। अभी पेमेंट वगैरह सब कुछ डन हो चुका है, वहाँ पे ये वेट कर रहे हैं। चेक करो पतला कस्टम पे आ चुके हैं भाई, आगे का मोटर ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू करानी है। यहाँ देख सकते हो 1,99,900। तो भाई हमने 2 लाख रुपये जो गाड़ी की बुकिंग अमाउंट थी वो कर दी है, और गाड़ी बताऊंगा नहीं, बता दें। तो भाई अभी पतला कस्टम पे आ चुके हैं, बाकी बुकिंग वगैरह दिखाई दी है मेरे नाम की है। 6 तारीख को हमने कर दी है, जब ये ब्लॉग देख रहे होगे 7 तारीख होगी। और यहाँ पे आज हमारे पास एक बलिनो रखी है, ये भी न्यू शेप है, और ये वाली बलिनो भी खड़ी है। इस पर पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर का PPF कर दिया, तो आज पूरा बलिनो डे है। एक बलिनो ये खड़ी है, एक बलिनो ये खड़ी है, इसके आगे एक और बलिनो खड़ी है। तो ये वाले भैया जिनकी ये बलिनो है, तो भैया से मिलवा देता हूँ। कैसे हो भैया? तो कहाँ से हो भैया? खेड़ा खुद से। तो गाड़ी में क्या क्या करा रहे हो आप? गाड़ी में मैंने स्प्लिटर लगवाए हैं, स्पॉइलर लगवाया, बैटमैन वाला साइड मिरर लगवाए हैं, बैटमैन वाले और डैम्पिंग कराई है, एम्बिएंट लगवाई है। बहुत सारा काम करा रहे हो मतलब? अभी भाई बहुत सारा काम हो रहा है, डैम्पिंग वगैरह लग चुकी है, एम्बिएंट लाइट लग रही है। हाँ जी, रैंप बाकी हो गया। तो काम वगैरह करा के एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस गुड है। सभी किसी भाई को रिकमेंड करना चाहोगे? सबको रिकमेंड मैं यही करता हूँ भाई, बतरा कस्टम होंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ चेक कर सकते हो, ऐसा बढ़िया काम कराना हो तो बतरा कस्टम पे आ सकते हो। आगे एक बलिनो और खड़ी है, इस पर भी भाई बहुत सारा अभी काम होना है, रैप होनी है, डेंट वगैरह है, तो ये सारी कल खुलेगी। पहले इसके नीचे के जो स्क्रैचेस वगैरह हैं, डेंट है, वो सारे फिल कराएंगे, उसके बाद इसके ऊपर रैप होगा। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, हमारे भाई के चैनल को मिलते कैसे बढ़ने ब्लॉग में।